बकुल का करिश्मा, शीना की सासुमा, जिगना का पश्चाताप, बकुल की हालत खराब, लो बेटा एक बार फिर बकुल अपनी दो दो शादियों के साइड इफेक्ट्स झेल रहे हैं। दोनों बीबियों ने इनका जीना जो हराम कर रखा है, लेकिन उससे पहले मिलिए शीना की सासू माँ से। चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची। अरे जैसे ही मैं सेट पे आई सब मुझे छेड़ने लगे हैं, कोई मुझे यहाँ मार रहा है, कोई वहाँ मार रहा है और कह रहे हैं कि देखो माल आ गई है, भाभी आई है भाभी। और खास कर मेरे डायरेक्टर, मैं जैसे आया ना मुझे उन्होंने ऐसे आओ भाभी ऐसे किया उन्होंने। मैं कहा सर मुझे बाकी सबका छोड़ो, मुझे आपसे ही बहुत डर लग रहा है। तो वो मतलब था ना कि दे स्टार्ट टीजिंग मी, जैसे कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, बहुत क्यूट लग रही हो, कईयों ने तो मेरे ऊपर हाथ भी घुमाया है। दरअसल शीना ने बकुल के सामने ये शर्त रखी है कि जब तक उसकी सासू माँ उन्हें आशीर्वाद देने नहीं आएंगी तब तक वो अपना व्रत नहीं खोलेंगी। और बेटा बकुल अपनी मम्मी को शीना से मिलवा नहीं सकते, तो अब क्या करें? शीना ने कहा है कि जब तक मैं बकुल की माँ का आशीर्वाद नहीं लूंगी तब तक मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। तो बकुल डर गया है कि यार अगर माँ से नहीं मिलवाया तो मैंने कहा चलो मैं माँ को बोलता हूँ तो माँ अटक जाती है। तो बकुल सोच रहा है कि अभी क्या होगा, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं खुद ही अपनी माँ बन के चला जाता हूँ। So that's what the whole sequence is about. तो अच्छा जना खुद साड़ी लपेट कर बकुल मियां ही बने हैं शीना की सासू माँ। बहुत डिफरेंट है ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम बकुल टू कोकी, और ये बकुल की माँ बना हूँ मैं। सो डेढ़ घंटा मेकअप के लिए लगता है, आपके सर में इतनी पिन लगी हुई है, वीक लगी हुई है, गजरा लगा हुआ है, ऐसी आदत नहीं है, ब्लाउज पहनाया हुआ है, एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि मुझे क्लीन शेव कराया है, जो मैंने बरसों बाद क्लीन शेव किया है। सो मुझे सच्ची में से लग रहा है कि मैं स्कूल जाता हुआ कोई बच्चा लग रहा हूँ। तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज़ बड़ी है मस्त। वैसे बकुल आप इस गेटअप में कमाल लग रहे हैं। चीज़ बड़ी हूँ बस। Yes, people are liking it. They're saying कि आप बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार ये बनूंगी ना। मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है कोई ऐसा बोले तो। आप खुद ही देखिए सेट पर तो आपके लोग दीवाने हो ही गए, शीना भी आपको पहचान नहीं पाई। ये तो हुई शीना की बात, वैसे जिगना ने भी आपका जीना हराम कर रखा है। पश्चाताप की आग में आज देखिए कैसे खुद को जला रही हैं जिगना मैडम। जिगना का कोई इलाज नहीं है, कैसे वो कर रही है, पीठ पे चल रही है, अपने ऊपर उसने इतना भार लिया हुआ है कि तुम्हारी पीठ में दर्द मैंने मेरी वजह से हुआ तो मैं भी अपनी पीठ पे दर्द सहूंगी। वैसे बड़े किस्मत वाले हैं बकुला, आजकल के जमाने में ऐसी संस्कारी पत्नियां कहां मिलती हैं। आपके पास तो एक नहीं दो दो हैं, फिर किस बात की टेंशन। आई जस्ट होप कि शीना को पता ना चले कि मैं ही बकुल हूँ। जरा संभल कर रहिए, सासू माँ बनने के चक्कर में कहीं चाची 420 ना बन जाना। बाकी सब ठीक है, आज तक ब्यूरो।